क्लासेस में जो सीरीज ऑफ वीडियो मैंने बनाई हुई क्लास 10th के मैथ सिलेबस पे और जो चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से क्या क्या क्वेश्चन लिए जा रहे हैं बोर्ड में अक्सर लिखे फ्रिक्वेंटली लिए जाते हैं मैंने हर सब्जेक्ट का अलग वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो में क्या मैंने बताया सर्फेस एरिया वॉल्यूम के बारे में स्टैटिक्स के बारे में बताया मैंने तो सर्फेस एरिया वॉल्यूम क्या पढ़ना चाहिए कोमल और फ्लेक्सियर के टोटल सर्फेस एरिया वॉल्यूम के बारे में पढ़ना चाहिए देखिए अगर आप शेप बना ले जाते हैं फिगर आप बना ले जाते हैं आप फॉर्मूला देते हैं तो आप समझिए कि 3/4 नंबर आप ऐसे पाओ बाकी आधा नंबर खाली आंसर को होता है भाई सिलेंडर प्लस फोर ये टोटल सर्फेस है इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देखिए बहुत आसान चैप्टर है बच्चे पता नहीं कन्फ्यूज रहते हैं बहुत आसान चैप्टर है ये इसमें आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा साथ थोड़ा सीरियसली आपको समझ लीजिए कि स्मॉल क्वेश्चन जो होते हैं एक नंबर के की बॉक्स दे दिया उसमें वैल्यू दे दी और उसमें फ्रीक्वेंसी पूछ लिया कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी है कौन क्लास कौन सा है इसमें क्लास मार्क क्या है इसमें हाइट कितना है समझना आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें निकाल लिए जाएंगे 14.3 देखिए क्वेश्चन क्या है मीन मोड मीडियम के लिए सात और क्वेश्चन आता है इस पर आप जो प्रैक्टिस बनाए रखिएगा और इसके बाद एक फॉर्मूला नहीं होता 3 मीडियम इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन ये वाला फॉर्मूला नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मान लिया मीडियम दे दिया मोड दे दिया और आप कहेगा मीन का तो आप इसे बिना चार्ट कैसे मिलेगा ये देखिए वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसमें जो क्वेश्चन तो ये सारी चीज़ें हैं और पूरी कंटेंट मैंने आपको क्लिक करके फिल्टर करके दे दिया है बस आपका इतना ही काम है कि आप आराम से बैठ कर चुपचाप बैठ के पढ़ाई करिए और आपका रिजल्ट शो हो जाए अभी साहब बैठ के शो हो जाएगी देखिए वहाँ से बोलिए मैंने बहुत कुछ जानते ये कुछ लिए रिजल्ट शो करेगा आप चुपचाप बैठ के पढ़ाइए तो मैं जितना भी हो सकता है मैं पर डे ये जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको जरूर बताऊँगा बस आपको क्या करना है कि चीज़ों को शेयर सब्सक्राइब करिए अपने जितने भी सोशल मीडिया या जितने भी वायरल जितने भी आपके जरिए होते हैं रिसोर्सेज हैं उस सबसे आप उसको फैलाइए ताकि औरों का भला हो तो आपका भला होगा तो आपका निश्चित भला होगा और हम सब का भला होगा और इस बार कोई भी मैथ फेल नहीं होना चाहिए इतना मेरा एश्योरेंस है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आप जोड़ रहे हैं उन सबको ये पता होना चाहिए कि आपकी बार वो फेल नहीं होगी क्योंकि वो मुझसे जुड़े